फेनोटाइप जिसमें HbA1c का काउंट बढ़ जाता है। एशियन इंडियन फेनोटाइप में BMI कम होने के बावजूद भी कमर का घेरा काफी ज्यादा हो जाता है। पेट का मोटापा, न्यूनतर एडिपोनेक्टिन, उच्च सी रिएक्टिव प्रोटीन स्तर इत्यादि की वजह से भारतीयों में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ जाता है। आइए हम इस HbA1c को समझ लेते हैं। जब आप अपने शुगर की जांच कराते हैं, जो उस जांच के वक्त का ही होता है, जबकि HbA1c के जांच में आपको 2-3 महीने के औसत स्तर का पता चलता है। इसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या A1c भी कहा जाता है। A1c शर्करा युक्त होकर परिवर्तित हो गया एक प्रकार का हीमोग्लोबिन है। जब शरीर शर्करा को प्रोसेस करता है, तब रक्त प्रवाह में मौजूद शर्करा स्वाभाविक रूप से लाल रक्त कण के एक प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। लाल रक्त कण की उम्र करीब 8 से 12 हफ्तों की होती है। इसीलिए HbA1c का मापन इस अवधि के औसत शुगर लेवल को दर्शाता है। बिना डायबिटीज वाले किसी व्यक्ति में ब्लड शुगर लेवल सामान्यतः एक जैसा रहता है, अर्थात खून में मौजूद प्रोटीन में ज्यादा ग्लूकोज संलग्न नहीं होते। HbA1c लेवल अपेक्षाकृत रूप से कम होता है, क्योंकि वे ग्लूकोज को रक्त से बाहर करने में सक्षम होते हैं। लेकिन डायबिटीज ग्रस्त लोगों में शरीर शर्करा को रक्त से बाहर करने में सक्षम नहीं होता है, और परिणाम स्वरूप ग्लूकोज खून में ही रह जाता है। जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे लाल रक्त कण में और ज्यादा ग्लूकोज जुड़ते जाते हैं, तथा HbA1c का स्तर बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज संबंधी तकलीफ बढ़ने का खतरा होता है। HbA1c को कम करके आप इस खतरे को कम कर सकते हैं। इसीलिए हर 3-4 महीने में, या जब आपके डॉक्टर कहें, आपको अपना HbA1c टेस्ट कराना चाहिए। आइए अब ये समझते हैं कि डायबिटीज में आखिर होता क्या है। जब आप कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाते हैं, तो वो आपके पेट या पाचन तंत्र में ग्लूकोज या शर्करा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमें अपने आहार में से ग्लूकोज की जरूरत होती है, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है। चीजें जैसे स्टार्च युक्त आहार, शर्करा युक्त आहार, दूध व डेयरी प्रोडक्ट्स एवं फलों इत्यादि में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये ग्लूकोज फिर रक्त प्रवाह में जाता है, और शरीर ये सेंस करता है कि ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ रहा है। इसकी प्रतिक्रिया में पेट के ठीक नीचे मौजूद एक छोटा सा ग्लैंड, जिसे पैनक्रियास कहते हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है। इस इंसुलिन की मदद से हम अपने ग्रहित आहार में से ऊर्जा ले पाते हैं। फिर इस ग्लूकोज एवं इंसुलिन को रक्त प्रवाह के जरिए शरीर के हर उस कोशिका तक पहुंचाया जाता है, जिसे ऊर्जा के लिए इसकी जरूरत होती है। इसे आसानी से समझने के लिए इन पेशी कोशिकाओं को देखें। इन पेशी कोशिकाओं के पास वो इंसुलिन ही है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर समाहित हो सकता है, ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। ऐसे समझें कि इंसुलिन इन कोशिकाओं के दरवाजे पर लगे तालों की चाबियां हैं। जब ये चाबी होगी, तभी दरवाजे खुलेंगे और ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जा सकेगा। इस प्रकार ब्लड ग्लूकोज का स्तर नहीं गिरता है, लेकिन लीवर के द्वारा उसमें संचित किए गए अतिरिक्त ग्लूकोज को रिलीज करके इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कभी भी टॉप अप किया जा सकता है। ब्लड ग्लूकोज बार बार बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन पैदा करता है, ताकि वो उन बंद दरवाजों के ताले की चाबी बनकर उस ग्लूकोज को रक्त प्रवाह के जरिए कोशिकाओं के अंदर पहुंचा सके। रक्त शर्करा जब ऑप्टिमम लेवल पर होता है, तब शरीर उत्तम रूप से काम करता है। लेकिन जब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता। सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर ही एक साइकिल होता है, जो शरीर में इंसुलिन एवं ग्लूकोज स्तर को संतुलित करता है, और ये संतुलन निर्भर करता है हमारे आहार, पैनक्रियाज एवं लिवर पर। कुछ लोगों में जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, तब उसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एवं GDM। आइए जानते हैं टाइप 1 के बारे में। डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन का निर्माण ही नहीं होता है, ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है,
जिसमें कि पैनक्रियास के अंदर की इंसुलिन निर्माण करने वाली कोशिकाओं को शरीर ने नष्ट कर दिया है। अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका है। संभ्रम भ्रमन निम्पन